गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम, आपकी मैथ्स टीचर। बच्चों, अभ्यास 23 में महत्तम समापवर्तन। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को आती है तब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, और छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है तो लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इसे सवाल दिया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57 और 78 में भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे। क्रमशः 3 और 6 शेष बचे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 57 में 3 को माइनस कर देंगे और 78 में 6 को माइनस करेंगे। ठीक है, 57 माइनस 3, तो 57 में से 3 गया यानी 57 में से 3 गया तो 54। ठीक है, 78 में से कितना माइनस करना है, 6, तो 78 माइनस 6 कितना बचा, 72। ठीक है, अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 54। 54 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 72 में, एक बार गया। अब दो में से चार जाते हैं क्या, नहीं, तो इससे इसको हासिल देंगे 12। 12 में से चार गया, 8 बचा, यहाँ कितना बचा, 6। 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब जो 18 आया उसमें उसका भाग 54 में देंगे, ये वाले नंबर में, है ना, 54 में। 18 का पड़ा ऐसा पढ़ो कि 54 से ज़्यादा ना जाए। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, तो मसोपा कौन सा आया, 18, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आई, 18, जो इन दोनों नंबर में भाग देने पर, इन दोनों नंबर में भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचेंगे। तो आंसर लिखेंगे, आंसर वह बड़ी से बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 18 है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला सवाल देखिए, 106, 159 और 265, ये तीन नंबर दिए हैं, इन तीनों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है, 106, इसका भाग हम किस में देंगे, उससे थोड़ा बड़ा यानी 159 में। कितने बार जाएगा, एक बार, 106, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 5 की 5 कुछ नहीं। अब ये जो शेष बचा है 53, उसमें उसका भाग हम 106 में देंगे। अब 53 का तो टेबल आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, गुणा करके देखेंगे ना, दो बार देखेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, 106 आ गया, यानी दो बार जा रहा है 106। 6 में से 6 गया कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब क्या आया, 53 बचा, है ना। ये 53 का यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है, तो हम ये देखेंगे, इसका भाग हम तीसरे नंबर में देंगे। तीसरा नंबर कौन सा है, 53 का भाग 265 में। ठीक है, अब 53 का 3 में गुणा करके देखो कितना आता है, 3 त्रिका 9, 3 15, 4 में गुणा करके देखो, 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, तो हम 5 में करके देखते हैं। ठीक है, 5 में करेंगे, 4 3 12 21, 53 गुणित 5, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 25 और 1 26, आगे ये 265 यानी 5 बार गया 265। इस तरह गुणा करके आप लोग देख लिया करिए रफ में, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो महत्तम समापवर्तक क्या आया, 53। लिखेंगे आंसर,
महत्तम समापवर्तक बराबर समापवर्तक बराबर 53। आगे समझ में। थैंक यू।